हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे सुपर फास्ट स्टडी पे। तो दोस्तों, मैं हूं तरुण वर्मा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। ये वीडियो है आपका रीजनिंग का, पजल्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको इस टाइप का फिगर दे दिया रहेगा, कहीं पर का एक नंबर मिसिंग रहेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर का मिसिंग है, और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं, आपको बहुत ही तेजी से चारों तरफ से दिमाग लगाना है, जल्दी से कैलकुलेट करना है कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, पहला ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं, तो हमको क्या पता चल रहा है, टॉप पे 7 है, लेफ्ट नीचे पे है 6 है, और इधर है 2 है, और अंदर में है हमारा 19। मतलब कि जो अंदर का टर्म है वो ज्यादा है, मतलब कि या तो ये इन सबको ऐड करने से आएगा, या किसी दो पेयर को मल्टीप्लाई करके तीसरे में ऐड करने से आएगा, तब 19 आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 6 2 जा 12, 12 प्लस 7, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 6 2 जा 12 आ गया, +7 को ऐड कर दिए तो आ गया 19। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 4 जा 32, 32 पे 1 ऐड कर दिए तो आ गया आपका 33। तो सेम यहाँ पे भी होगा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो टर्म रहेगा उससे प्लस होगा आपका 5, तो यहाँ पे 23 आना चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 23। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, यहाँ पे 9 लिखते हैं, तो 9 2 जा हो जाएगा 18, 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 9। ऐसे हमको पता लगाना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, इसमें सारे नंबर दिए हुए हैं, सिर्फ एक जगह का नंबर मिसिंग है, आपको दिख रहा होगा कहाँ का मिसिंग है, यहाँ पर का मिसिंग है। तो चलिए अब दिमाग लगाते हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है आखिर। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अगर हम रो वाइज देखें, हम रो वाइज भी देखना है हमको, कॉलम वाइज भी देखना है। तो रो वाइज देख लीजिए, यहाँ पे तो 2 हो गया है, तो 4 हो गया है, इन दोनों को ऐड करके माइनस करके देखिए, है ना, या फिर इन दोनों को ऐड करिए, इसको माइनस करके देखिए क्या जम रहा है, नहीं जम रहा है। अब रो वाइज देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम 7 2 1 और 4, इन सबको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 7 2 9, 9 प्लस 1 10 14, ये आ गया 14। इसका एडिशन किया हमने इस कॉलम का, तो 14 आ रहा है। इस कॉलम को ऐड करके देखते हैं, 8 प्लस 2 10, 10 और ये 4 14, यहाँ पर भी 14 आ रहा है। रो को हम कॉलम कर रहे काउंट कर रहे हैं, तो आ रहा है 14। अब यहाँ पर तीसरे रो में चले जाते हैं, ये 6 हो गया, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। मतलब रो को ऐड करने से यहाँ पर आ रहा है टोटल 14, तो यहाँ पर भी 14 आना चाहिए। तो ये हो गया 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, तो अब इसमें कितना जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो आपका आंसर है 4, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको 1% भी लगता है ये वीडियो आपकी हेल्पफुल है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैंने फाइंड द मिसिंग नंबर का भी एक वीडियो अपलोड किया है, और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक अपलोड किया है मैंने कैलेंडर्स का, जिसपे आपको कौन सा डेट है, कोई भी एक डेट दिया होता है, और उसको आपको ये पता लगाना रहता है कि कौन सा डे था, उस दिन संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया है, और बहुत ही इजी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं रीजनिंग में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने से ये होगा कि आपको पैटर्न समझ आएगा कि कैसा कैसा हो सकता है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे, उतने ज्यादा पैटर्न्स आप दिमाग लगा पाएंगे वहां पे एट द टाइम। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं अलग अलग पैटर्न्स टाइप के क्वेश्चन उठाया हूँ, उठा के लाया हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 है 8 है 9 है, क्या इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है तीसरा, नहीं आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने से ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
अब देख लेते हैं इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है, ये तो आ जा रहा है लेकिन ये नहीं आएगा। 8 में से 2 गया, 6 तो आ रहा है लेकिन 2 में से 3 गया तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, हमको एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग चारों तरफ दौड़ाना है जब भी आपको पजल्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, हो सकता है इस क्वेश्चन में कभी कभी दिमाग बहुत घूम जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको ट्रिक मालूम रहेगा, उतना ही ज्यादा पैटर्न आपको पता रहेगा कि कैसे करने से होगा। तो अब इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये देखिए जो ऊपर का है 289, ये है आपका 17 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289। अब देख लेते हैं आगे, ये है आपका 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। तो सेम यहां पर आएगा 19 का स्क्वायर, तो आपका 19 का स्क्वायर होता है 361। तो यहां पर आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 1, और 1 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आप देख के ही समझ जाएंगे, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे है 3 4 3 है, 1 है, फिर 4 है, तो यहाँ 7 2 है, फिर 9 है, यहाँ 1 5 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए अब इसको कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा एडिशन है, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 7 + 2 इज इक्वल टू 9, तो 1 + 5 क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। तो 6 आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन देख के आप डर जरूर जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 4 बॉक्स दे दिए हमको, चारों में डिजिट दिया हुआ है, सिर्फ एक बॉक्स है जिसमें 3 डिजिट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं हम, इन इन तीनों बॉक्स के रिलेशन से ही चौथे बॉक्स का रिलेशन सेम होगा, चारों बॉक्स के रिलेशन जो होंगे वो सेम होंगे, और इन तीनों की मदद से हम चौथा निकाल पाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं हम, इसमें हो क्या रहा है, क्या ये 7 + 2 सबको ऐड करके देखते हैं। 7 + 2 इज इक्वल टू 9, 9 + 4 इज 9 + 4 इज इक्वल टू 13, 13 + 9 इज इक्वल टू 22। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी डिजिट हैं उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो आपको आ रहा है 22 आया इस बॉक्स में। चलिए इस बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पे क्या है 11 + 2, 11 + 2 इज इक्वल टू हो गया आपका 13, 13 + 6 हो गया आपका 19, 19 + 3 हो गया 22, मतलब यहाँ भी 22 आ रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ आ जाते हैं हम, तो यहाँ है 6 + 6 इज इक्वल टू 12, 12 + 5 + 5 इज इक्वल टू 10। तो ये यहाँ पे हम सबको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 22 आ रहा है। ये चारों नंबर को हमने जब ऐड किया तो 22 आ रहा है, और तीनों बॉक्स में आ रहा है, मतलब चौथे बॉक्स में भी आएगा। तो चौथे बॉक्स में हम ऐड करते हैं, क्या क्या है हमारे पास, 8 + 4 इज इक्वल टू 12, 12 + 1 इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास है 13, 13 में हम कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 22 आएगा, तो 13 में हम जोड़ेंगे 9, 9 हम ऐड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 22। तो यहाँ पर इसका आंसर है 9, क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा आपका 9, 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले ट्रायंगल में दिया है टॉप पे 1 है, राइट कॉर्नर पे नीचे पे है 4, इधर है 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा एक चीज हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम सबको ऐड कर देते हैं, 3 + 4 + 1, तो ये हो गया आपका 8, ये 8 हो गया है, और 8 में से आप अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, तो ये आ गया है आपका 4। देखिए जैसे सेंटर पे 4 है ना। अब फिर देखते हैं बाजू वाले में सेम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 7 + 7 कितना हो गया, 7 + 7 इज इक्वल टू 14, 14 + 6 इज इक्वल टू 20, यानी कि 20 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 10। मतलब कि बाकी बाहर के जो भी नंबर्स हैं उसको आपको ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है, तो आपका सेंटर वाला नंबर आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 5 है,
यहाँ 3 है, 5 को 3 से मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना और ऐड करूंगा कि 6 का डबल होगा, तो 5 + 3 8 हो गया। 8 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 12, और 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका आंसर है 4। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर आएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर अब ये थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, फिर भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक सिंपल सा सीधा आंसर ही बताता हूँ। 7 + 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 हुआ, 10 हुआ, और ऊपर में क्या है, 5 है, मतलब इसका जस्ट आधा है। आगे बढ़ते हैं। 10 + 2, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे है 2, 10 + 2 कितना हो गया, 12 हुआ। अब ऊपर देखिए क्या है, जस्ट आधा 6 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके डबल होगा, तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा भाई, तब तो ये 10 होगा और 10 का आधा होगा 5, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर 1% भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।